गरीब वुडकटर बना करोड़पति। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़ी काटने वाला हुआ करता था। वो जंगल में बड़े बड़े पेड़ वगैरह काटकर उन्हें सर पर रखकर ले जाता था। उसी जंगल के पहाड़ी गुफा में गणेश गैंग नाम के चोरों का गुंप उनके चुराए हुए पैसे छिपाकर रखते थे। एक दिन गणेश का आदमी करना, बॉस पैसे तो अच्छे से चुरा कर इकट्ठा किए, लेकिन उन पैसों का हम क्या करेंगे? मेरी बीवी ने फोन किया, कम से कम किलो चिकन भी बनाने के लिए पैसे नहीं है। वो पैसे अगर जल्दी हमें बांट दोगे तो घर जाकर सेटल हो जाएंगे सर। रुको रे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुम्हारे पैसों को हवाला हलवा सिंह को सौंपना होगा। वो इन पैसों को व्हाइट मनी में बदल कर हमारे बैंक अकाउंट्स में डालेंगे। लेकिन आजकल पुलिस चेकिंग बहुत हो रहा है, वे इन पैसों को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। आज से तुम लोग रोज इस जंगल में पेड़ काट कर लकड़ी लेकर आओ। इन पैसों को उन लकड़ियों में डाल कर ले गए तो कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। वो देखो, तुम्हारे लिए कुल्हाड़े खरीद कर लाया हूँ, जाकर काम पर लग जाओ। वे चोर कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल में गए। क्या भाई, हमारे कर्म इतनी मेहनत करके चोरी किए, अब पेड़ काटे? अरे लो दंड से हम घर के छेद कर सकते हैं, लेकिन ये पेड़ काटकर लकड़ियां कहाँ से लेकर आए? वही तो मेरी भी परेशानी है, हमारे बॉस को हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं है। कह ही रहा था कि कुछ दूरी पर गोपाल पेड़ काटते हुए नजर आया। वे गोपाल के पास गए। रे, तुम जो लकड़ियां काटे वो हमें दे दो, वरना मार देंगे। साहब, सुबह से मेहनत करके पेड़ काटा तो ये लकड़ियों को इकट्ठा किया, उन्हें नहीं बेचेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। वो सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप वो लकड़ियां छोड़कर चले जाओ, वरना मार देंगे। गोपाल डर कर चले गया। वे चोर वो लकड़ियों को गुफा में लेकर गए। वाह बॉस, बहुत मेहनत से पसीना बहाकर पेड़ काटे हैं बॉस। वेरी गुड, अब इन लकड़ियों में पैसे डालो। ऐसे एक हफ्ते पेड़ काट कर लाए तो हमारे सारे पैसे हलवा सिंह को भेज सकते हैं। इस तरह रोज वे चोर गोपाल को डराकर उसके काटे लकड़ियों को ले जाने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी कमला, क्या जी, आप जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। पैसे सोना हो तो हो सकता है कि डराकर चुरा ले, लेकिन ये लकड़ियों को क्यों चुराएंगे जी? आखिर आप जंगल जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जुआ खेल रहे हैं? भगवान की कसम, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। तो फिर ठीक है, जाकर पुलिस कंप्लेंट दीजिए। गोपाल पुलिस स्टेशन जाकर एसआई सुरेंद्र को ये बात बताया। क्या बोल रहे हो भाई, जंगल में तुम पेड़ काट रहे हो तो रोज तुम्हारे पास से वे लकड़ियां चुरा रहे हैं क्या? ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ जंगल आएंगे, छिप कर देखेंगे। अगले दिन गोपाल के साथ पुलिस वाले भी गए। पुलिस एक जगह पर छिप कर देख रहे थे। गोपाल पेड़ काट कर लकड़ियों को ले जा रहा था। उतने में करना और बाकी चोर आकर उसके पास से वो लकड़ियों को ले लिए। पुलिस ने ये देख लिया। गोपाल भी उनके पीछे पीछे गया। ओह वेरी गुड, अब हमारे सारे पैसे लकड़ियों में छिपा दिए। ऑटो ट्राली तैयार है ना, उसमें चढ़ाओ। इतने में पुलिस, गोपाल सब गुफा में आए। रे गणेश, तुम कितने समय बाद मिले हो रे, क्या बात है, आजकल पैसे चुराना बंद करके जंगल में लकड़ी चुरा रहे हो? सर वही है सर, मेरे लकड़ियाँ इतने दिन घर पर खाना भी पका नहीं पाए, ऐसा हाल किया था सर इन्होंने। मैं इन्हें अरेस्ट करके ले जाता हूँ, तुम अपने लकड़ियों को ऑटो ट्राली में लेकर जाओ। पुलिस फिर गणेश और उसके गैंग को गिरफ्तार कर लिए।
इतने लकड़ियों को ऑटो में डालना मुश्किल है ना, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। सोचा, एक बड़े लकड़ी को वो काटा, उसमें से नोटों की गड्ढियां बाहर निकली। गोपाल दंग रह गया। वो ऐसे सारे लकड़ियों को काटा, उसमें से निकले पैसों को ऑटो ट्रॉली में डाला। उस ऑटो को फिर वो घर लाया। वो देखकर कमला दंग रह गई। हमारी किस्मत खुल गई री, अब समझ आया वे चोर हमारे लकड़ियों को क्यों चुराए। इतने समय से जो पेड़ मैं काट रहा हूँ वो मायावी पेड़ है, उनमें शायद पैसे होते होंगे। इतने समय से मुझे पता नहीं था, तो बेकार में सारे लकड़ियों को बेच दिया। मेरा बहुत लकी हैंड है री, कम से कम अब तो समझ गई। कमला बहुत खुश हुई। इस तरह उनका परिवार बहुत अमीर बन गया। जेल में गणेश कन्ना से, रे कमीनो, तुम लोगों को मैंने कहा पेड़ काट कर लकड़ी लाओ, तो तुम उस लकड़ी को चोरी करके लाओगे, क्या हुआ? अब हम 15 साल जेल में ही चक्की पीसेंगे, जानते हो? अंडरग्राउंड वेल गोल्डन पॉट। बीकानेर नाम का एक मरुस्थल प्रांत था। उस रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। वहां चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, पर एक कुआं था जो हमेशा पानी से भरा रहता था। सब गांव वाले उस कुएं से ही पानी निकालकर खुशी खुशी जी रहे थे। बीकानेर का जमींदार एक पुराने खंडहर में रहता था, उसका नाम था विक्रम सिंह। वो पुराने जमींदार के कपड़े पहनकर घूमता रहता था। उसके बेटे का नाम था राजा सिंह, वो भी उसी तरह के कपड़े पहनकर घूमता था। उस घर में राजा सिंह के दादाजी का तस्वीर था। वे दोनों हर रोज उस तस्वीर को प्रणाम करते थे। पिताजी, हमारे जायदाद को क्या हुआ? आखिरकार हमारे पास इस खंडहर के अलावा और कुछ नहीं बचा। ऐसा क्यों पिताजी? वैसे क्या ये फटे हुए कपड़े पहनकर उस पुराने खटारा कार में घूमना जरूरी है क्या? बेटा, हमारे पिताजी के पास बेहिसाब जायदाद था। पता नहीं बेटा, अचानक उन सब जायदाद का क्या हो गया? हम ठहरे राजवंश के, इसलिए ऐसे कपड़ों में ही लोगों को दिखाई देना चाहिए, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा बेटा। ऐसा घूमना अनिवार्य है। राजा सिंह को हर रोज एक सपना आता था। उस सपने में उसे एक कुएं में ढेर सारे सोने के घड़े दिखाई देते थे। वो हर रोज आधी रात को जागकर वो सपना क्यों आया ये सोचते हुए फिर दोबारा सो जाता था। एक दिन मुन्ना नाम का व्यक्ति उस गांव में आया। मुन्ना, कुएं में गिरे घड़े निकालूंगा, कुएं में गिरे बाल्टी निकालूंगा, चाहे वो बाल्टी हो या घड़े, जो भी चीज कुएं में गिरे उसे बाहर निकालूंगा। बाल्टी के 50 रुपए और घड़े के 100 रुपए लूंगा, आइए आइए, कहकर चिल्लाने लगा। यूं आवाज देते हुए वो उस कुएं के पास पहुंचा। उसे देखकर एक औरत, भैया तुम सही वक्त पर पहुंचे हो, अभी अभी मेरा घड़ा कुएं में गिरा है, जरा उसे बाहर निकालोगे? भैया, मेरा बाल्टी को भी गिरे हुए बहुत दिन हो गया है, उसके दाहिने ओर छोटा सा चोट लगा हुआ है, उसे भी बाहर निकालना भैया, पैसे दूंगी। यूं सब औरतें आकर अपने अपने वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए कहने लगी। लगता है इस गांव में अपना धंधा खूब चलेगा, जय बजरंगबली, कह के कुएं में कूदा। कुएं के अंदर उसे सोने के घड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो हैरान हो गया। वो तुरंत बाल्टी और घड़े लेकर बाहर निकला। अपने अपने बाल्टी और घड़े लेकर औरतें उसे पैसे देकर वहां से चली गईं। ये क्या, ये सच है या सपना? अगर इस कुएं के अंदर वाले घड़ों को मैं ले जाऊं तो मैं ये दुनिया खरीद सकता हूं। किसी तरह आज रात को इन्हें यहां से उड़ाकर ले जाना होगा। यूं सोचते हुए वो एक वाइन शॉप के पास दारू पी रहा था और रात होने का इंतजार करने लगा। उस दिन रात को राजा सिंह सो रहा था कि उसे फिर से सपना आया। उसे सपने में सोने के घड़े दिखाई देने लगे। वो तुरंत उठ बैठा। उसने देखा कि उसके दादाजी का तस्वीर यहाँ वहाँ हिल रहा था। उसने तुरंत अपने पिताजी को आवाज दिया, वो भी वहाँ पहुंचे। तभी उस तस्वीर के पीछे से एक पर्ची नीचे गिरा। दोनों ने देखा। राजा सिंह ने उस पर्ची को उठाया
और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे वारिसों, हमारे इतने संपत्ति का कारण है वो सोने के घड़े। वो घड़े जहाँ भी होंगे वहाँ लक्ष्मी देवी नृत्य करेगी, सब अच्छा होगा। डाकू मंगल सिंह उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा है, ये जानकर मैंने बीकानेर के रेगिस्तान में एक जगह छुपा के रखा है। डाकू मंगल सिंह आया और उसके हाथ जब कुछ नहीं लगा तो वो चला गया। मैं कल ही उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। अकस्मात में मर गया तो तुम लोगों को ये जानना चाहिए, इसीलिए मैं ये पर्ची लिख के जा रहा हूँ। ऐसा लिखा था? तो ये बात हुई है, वो उसी दिन रात को दिल के दौरे से मर गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तब छोटा बच्चा था। तभी से अपनी सारी जायदाद का नाश हुआ और गरीबी रह गई। चलो चलते हैं और तुरंत जाकर अपने घड़े ले आते हैं। इस तरह वे दोनों उस खटारे गाड़ी में गांव के लिए निकल पड़े। मुन्ना भी कुएं की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उनकी कार कुएं के पास पहुंची तो मुन्ना कुएं में कूदा। बाद में राजा सिंह भी कुएं में कूदा। कुएं में तैरते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा। सोने के घड़े देखकर राजा सिंह हैरान हुआ। मुन्ना उन्हें ले जाने लगा तो राजा सिंह ने उसे रोका। दोनों लड़ने लगे। यूं दोनों पानी में लड़ने लगे। बाद में दोनों बाहर आए। राजा सिंह मुन्ना को पकड़कर मारते हुए, ए कौन हो तुम, कहां से आए हो? चोर कहीं के? हमारे सोने के घड़े चुराने आए थे। पिताजी गांव वालों को बुलाइए। तब उन्होंने बुलाया तो सारे गांव वाले वहां दौड़े दौड़े आए। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सरकार, मैं सोने के घड़े चुरा कर ले जाने के लिए आया था। हमारे कुएं में सोने के घड़े हैं, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तब राजा सिंह पानी के अंदर कूदा और सारे सोने के घड़े बाहर ले आया। बस उनके बाहर आते ही कुआं सूख गया। ये देखकर लोग परेशान हो गए। तब विक्रम सिंह ने जो बीता वो सब गांव वालों को बताया। इन सोने के घड़ों के वजह से ही इस कुएं का पानी कभी नहीं सूख रहा था। ये घड़े जहां भी होंगे वहां सब अच्छा ही होगा। हुजूर आप हमारे जमींदार हैं, वो घड़े आपके ही हैं, पर यदि आप वो घड़े अभी ले गए तो कुआं सूख जाएगा और हम सब परेशान हो जाएंगे। सरकार हम इतने स्वार्थी नहीं हैं, आप लोगों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, इसीलिए एक घड़ा इस कुएं में ही डाल रहा हूँ। कहकर एक घड़े को कुएं में डाल दिया। बस कुएं में फिर से पानी भर गया। ये देखकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई। उनकी संपत्ति लौट आई तो बाप और बेटे बड़े खुशी के साथ उस गांव का परिपालन करने लगे।